वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर Vivo Y23 Pro का गिव अवे लाइव है। अगर आप नए हैं और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Xiaomi का 11i Hypercharge और Vivo का V23, ये स्मार्टफोन दोस्तों अपने आप में काफ़ी बड़ा फर्क रखते हैं एक रियल यूज़र के लिए। यहाँ पर है ना एक पैसा लगाने वाली बात है दोस्तों, दोनों के अंदर काफ़ी तकड़ा फर्क है। आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है? Xiaomi को आज काफ़ी गालियाँ भी पड़ी है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है, आइए जान लेते हैं। आज इंडिया के अंदर Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, Xiaomi 11i Hypercharge। ये स्मार्टफोन अपने स्पेक्स को देखते हुए काफी जबरदस्त है, लेकिन अपनी प्राइस सेगमेंट को देखते हुए काफी चर्चाओं के अंदर भी है। अगर हम बात करते हैं इसके टक्कर के स्मार्टफोन की, तो काफी कमेंट्स ऐसी मिलती है कि हमें Hypercharge लेना चाहिए या फिर Vivo का अभी हाल ही में लॉन्च स्मार्टफोन Vivo V23 लेना चाहिए। ये दोस्तों प्रो नहीं है, ये 23 है। ऐसे में जब हमें पैसा सेम ही देना है तो कौन सा स्मार्टफोन ले, Xiaomi का Hypercharge और एक तरफ है Vivo का V23। दोनों का मना बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, हर एक चीज के अंदर फुल्ली कंपेयर करके देखने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन हमारे लिए यहां पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो पाएगा। क्या Hypercharge यहां पर बेहतर है? Vivo का V23 जो कि इंडिया का पहला स्मार्टफोन है, कलर चेंजिंग बैक पैनल के साथ में आता है, कौन सा लेना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो Xiaomi में आपको मिलता है दोस्तों थोड़ा हैवियर साइड, 204 ग्राम का है, 8.34 mm, ये थिन है, तो आगे भी ग्लास है, पीछे भी ग्लास है, लेकिन जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक का मिलता है। डिजाइन को काफी हद तक बॉक्सी किया गया है। ये है दोस्तों इसकी कंप्लीट बिल्ड क्वालिटी। मुझे ये बिल्ड क्वालिटी इतनी कोई खास नहीं लगी क्योंकि ये कॉपी है दोस्तों, रीब्रांड रीब्रांड रीब्रांड। ऐसा ही हमें सेम बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिली थी 10T के अंदर या 11T के अंदर, तो ये बिल्ड क्वालिटी वैसे ठीक है लेकिन रीब्रांड है, अगेन खुद की ही कॉपी है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं Vivo की, ये दोस्तों थोड़ा सा लाइटर है, 180 ग्राम का है और ये दोस्तों पूरा है ना मेटल का है, ग्लास है, तो ये काफी यूनिक डिजाइन है। ये जो बैक है दोस्तों, हालांकि ये तो ब्लैक है लेकिन मैंने आपको प्रो की वीडियो दी थी, वो कलर चेंज करता है। ब्लैक दोस्तों कलर चेंज नहीं करता है, लेकिन जो गोल्डन कलर आता है ना इसका, वो कलर चेंज करता है, तो ये काफी बेहतर बात है। आपको यहाँ पे ग्लास मिल गया, मेटल मिल गया और हमें क्या ही चाहिए। प्रो के अंदर प्लास्टिक फ्रेम है लेकिन हम बात कर रहे हैं V23 की, यहाँ पर आपको मेटल मिलता है, एंटीना लाइंस यहाँ पर विजिबल है, बॉक्सी डिजाइन है दोस्तों। अगर हम फोन को खड़ा करना चाहें तो ये स्मार्टफोन अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और ऐसे गिर भी सकता है, इसको आप ट्राई नहीं करें तो अच्छा है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो Xiaomi में आपको मिलती है 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz की रिफ्रेश रेट है। यहाँ पर आपको दोस्तों सेंटर का पंच होल मिलता है, काफ़ी छोटा सा है, 360Hz के आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। ये दोस्तों एक 8-bit की डिस्प्ले है। ब्राइटनेस पीक की बात की जाए, 1200 nits की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है। धूप में काम कीजिए दोस्तों, कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों Vivo की, तो Vivo की जो डिस्प्ले है ना वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है, 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90Hz के साथ में, HDR 10 प्लस का सपोर्ट मिल गया, 180Hz की आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। ब्राइटनेस पीक की बात की जाए, 1300 nits की ब्राइटनेस पीक है। तो अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, उस केस में Xiaomi ने एक अच्छा जंप किया है और Vivo V23 के कंपैरेटिवली आपको Xiaomi की डिस्प्ले बेहतर मिलती है। एक चीज और यहां पर आपको दोस्तों बड़ी सी नॉज मिलती है, जो कि थोड़ा सा ना यूज्ड टू होने में टाइम लगा सकती है। डिस्प्ले के बाद में अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, प्रोसेसर की, उस केस में दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन कैरी करते हैं MediaTek Dimensity 920 को। ये प्रोसेसर दोस्तों 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, एनर्जी इफिशियंट है, पावर इफिशियंट है, फोन को थोड़ा हीटअप कम करता है। वेरिएंट्स की बात की जाए, Xiaomi के अंदर दो वेरिएंट है, 6128, 8128 के LPDDR4 X-RAM UFS 2.2 के साथ में। लेकिन अगर हम बात करते हैं दोस्तों Vivo की,
8128 12256 जीबी के LPDDR4X RAM UFS 3.1 के साथ में। Vivo में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है 4G+, लेकिन Xiaomi में मिलता है या फिर नहीं मिलता है आई एम नॉट श्योर। प्रोसेसर वैसे दोनों स्मार्टफोन के सेम ही है, 6nm फैब्रिकेशन पे है और मीडियम टू हाई वेरी हाई सेटिंग्स पर भी आप यहाँ पे गेमिंग कर पाते हैं। मैंने इसको काफी हद तक टेस्टिंग इसकी कर ली है, कोई तरह का जिटर फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर आपको ना थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए 5G बैंड को, जो कि थोड़ा लिस्ट आने के बाद में पता चली जाएगा कि कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। अगर हम बात करते हैं कैमरा की दोस्तों, कैमरा यहाँ पर काफी हद तक एक गेम चेंजर कहानी हो सकती है। कैमरा के अंदर दिन और रात का, जमीन का आसमान का फर्क है, क्योंकि Xiaomi में आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का टैली मैक्रो सेंसर। सेल्फी की बात की जाए, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, यहाँ पर आपको OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर आप रियर कैमरा से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 फ्रेम पर सेकंड पे, और जो सेल्फी है यहाँ पर आपको फुल HD तक ही वीडियो का सपोर्ट मिलता है, 4K का नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं Vivo की, तो Vivo एक बड़ा जंप लेके आता है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का मैक्रो है। माना कि ये मैक्रो वगैरह के सेंसर सेम है और दोनों ही एकदम रद्दी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल्फी की, 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा ऑटो आई फोकस के साथ में, 8 का अल्ट्रा वाइड। आप लीजिए ना दोस्तों, ग्रुप सेल्फी ग्रुप वीडियो लीजिए, काफी हद तक जो बैकग्राउंड है ना, काफी हद तक 105 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू तक यहाँ पर कवर कर पाएगा। डायनेमिक रेंज काफी अच्छी है, मैंने एक कंप्लीट टेस्टिंग इसकी करनी बाकी है दोनों की ही, देखते हैं कैसा आता है। लेकिन जहां तक मैंने इसकी कैमरा को यूज किया है ना दोस्तों, परफेक्ट, जो सेल्फी कैमरा है परफेक्ट। यहां पर आपको फ्रंट में और रियर के अंदर दोनों में ही 4K 60fps की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि Xiaomi कभी कवर नहीं कर पाएगा अपने 11i हाइपरचार्ज के अंदर। तो यहां पे दोस्तों कैमरा के मामले में Vivo V23 एक बहुत ही बड़ा जंप लेके आगे निकल जाता है। अगर हम बात करते हैं बैटरी की, Xiaomi में आपको मिलती है 4500mAh की बैटरी चार्ज करने के लिए, 120 वाट का बड़ा सा चार्जर जो कि 15 मिनट में आपके फोन को पूरा चार्ज कर देगा। अगर हम बात करते हैं Vivo की, 4200mAh की बैटरी है, 44 वाट की आपको यहां पे चार्जिंग मिल जाती है और ये लगभग ले लेगा 1 घंटा आपके स्मार्टफोन को पूरा चार्ज करने में। अब हम बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की। Xiaomi का स्मार्टफोन अगर हम बात करें दोनों के ही सेम वेरिएंट की, 8GB 128GB वाले की ना, तो Xiaomi का आपको मिलता है 29,000 रुपए का और Vivo का V23 ये आपको 8/128 मिलता है 30,000 रुपए का। दोस्तों Vivo का स्मार्टफोन है, इसकी जो प्राइस आई है ना 30,000 रुपए, यकीन मानिए ऑफलाइन के अंदर ये आपको 27,500-28,000 तक देखने को मिल सकता है। तो टेक्निकली देखा जाए ना, अगर हम बात करें ना थोड़ा सा भैया ठीक ठीक लगाओ, उस वाले केस में यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए, जब हमें पैसा सेम ही देना है दोनों स्मार्टफोन का, तो कौन सा स्मार्टफोन बेहतर है, हम बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की। दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए बिल्ड क्वालिटी डिजाइन Vivo की दोस्तों थोड़ी सी यूनिक है। ब्लैक कलर थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, लेकिन गोल्डन कलर जो आता है ना, वो कलर चेंजिंग ऑप्शन के साथ में आता है। दोनों काफी अच्छे हैं, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। Xiaomi को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप एक Xiaomi यूजर हैं, अपने मन की बातें मुझे कॉमेंट्स में बताइए। आपको नहीं लगता कि Xiaomi को अपनी डिजाइन के अंदर R&D के अंदर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है? रिपीट रिपीट रिपीट, और यही सेम चीजें आगे जाके आना पोको भी रिब्रांड कर देगा, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। Xiaomi ने डिस्प्ले में काफी अच्छा काम किया है, प्रोसेसर दोनों की सेम है। मैं फिर से सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 5G बैंड जिसमें अच्छे मिलते हैं परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसे आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। फिलहाल 5G बैंड हमारे सामने नहीं आए हैं। और कैमरा की बात की जाए, जब दोस्तों पैसा सेम ही देना है, तो कैमरा ना Vivo का आपको थोड़ा बेहतर क्वालिटी निकाल के देगा, 4K सामने 4K पीछे। तो ये क्वालिटी दोस्तों यहाँ पर Xiaomi नहीं कर पाएगा यहाँ पर मुकाबला, उस केस को आप समझिए। तो मैं यहाँ पर Vivo लेता, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी बेहतर मिलती है। डिस्प्ले दोस्तों 90Hz 120Hz में इतना फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेसर सेम है, कैमरा क्वालिटी का मुकाबला Xiaomi नहीं कर पाएगा। तो उस केस में मेरे लिए यहाँ पर Vivo V23 थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। Xiaomi को थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है। ये स्मार्टफोन थोड़ा ओवर प्राइस लगा मुझे, क्योंकि सेम फोन चाइना के अंदर अगर इंडियन प्राइस को कन्वर्ट करते हैं ना, 22-23-24 हज़ार रुपये तक का लॉन्च हुआ है दोस्तों। इंडिया के अंदर 27,000 रुपये स्टार्टिंग रेंज, तो थोड़ा सा मुझे
ओवर प्राइस भी लगता है। यह है दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन का फुल्ली कंपैरिजन, जहां मैंने कोशिश की है कि आप अपना एक ड्रीम स्मार्टफोन लेने के अंदर सक्षम हो पाए। अगर आपके अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाते हैं तो आप मुझे दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, अपने सजेशन मुझे बता सकते हैं, आपको मेरी तरफ से वहां पर रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों आपने यहां तक देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। गिव अवे लाइव है हमारे चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आप जीत पाएंगे क्या बता वीवो के ही इसी V23 सीरीज के स्मार्टफोन को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।